वेलकम टू टागे विदेश। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPSC के बारे में। UPSC से आने वाली नई भर्ती का विज्ञापन कौन सा होगा, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। AGTA, JEE या फार्मासिस्ट, इन तीनों में से कौन सा विज्ञापन पहले आ सकता है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ AGTA को लेकर सचिव जी ने क्या बयान दिया है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और खबर सीधे आयोग से है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं UPSC से आने वाली नई भर्ती का विज्ञापन। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं पिट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग आवेदन कर दीजिए इसमें। और पिट 2023 से भी अच्छी अच्छी भर्तियां आने वाली हैं। इसके अलावा जनवरी 2024 तक, ठीक है, जनवरी 2024 तक पिट 2022 की ही वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। ऐसा पिट 2023 के नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है ऑफिशियली। तो पिट 2022 का रिजल्ट आया था 25 जनवरी को, तो 24 जनवरी तक पिट 2022 की वैलिडिटी आपकी रहेगी। और जो भी विज्ञापन 24 जनवरी तक आएंगे वो पिट 2022 से ही आएंगे। तो अब पिट 2022 से नए विज्ञापन जो आने को हैं वो ये बचे हुए हैं अभी, AGTA, JEE और फार्मासिस्ट का। ये तीनों विज्ञापन जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो पहले नंबर पे कौन सा विज्ञापन आ रहा है, ये अभी कहना 100% कन्फर्म नहीं है। और अभी जो ज़्यादा चर्चा हो रही है वो अब हो रही है JEE को लेके। तो सूचना ये प्राप्त हो रही है कि JEE का विज्ञापन है वो सितंबर में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन आ चुका है, उसका आवेदन सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही JEE का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। और यहाँ पे जो पोस्ट रह सकती हैं वो 1300 से लेके 1400 के बीच में पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं JEE की, ठीक है। तो ये सूचना प्राप्त हो रही है। तो अभी एक मीटिंग की जाएगी नए विज्ञापन को लेके, और इन तीनों में से कौन सा विज्ञापन पहले जारी किया जाएगा ये डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है वो मैंने आप लोगों को बता दी, आगे इसमें जो भी अपडेट आएगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट के बारे में। तो फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी जो हैं वो पूछ रहे हैं कमेंट करके बार बार। तो मैंने काफ़ी पहले ही आप लोगों को बोला था एक बार कि आप एक बार जो है आयोग में सचिव जी से मुलाकात कर लीजिए, सचिव जी सबसे मिलते हैं और सबकी बातें सुनते हैं और जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं छात्रों को। फार्मासिस्ट का विज्ञापन आने को है, चेयरमैन जी ने खुद इंटरव्यू में बोला था अपने। और किस पोस्ट के लिए आएगा, एक तो एलोपैथी का आने को है, ठीक है, एलोपैथी का, और दूसरा आयुर्वेद का फार्मासिस्ट का विज्ञापन आने को है। तो जो सूचना प्राप्त हो रही थी वो मैंने पहले ही बता दिया था, एलोपैथी के विज्ञापन को लेके, फार्मासिस्ट का विज्ञापन को लेके सूचना प्राप्त हो रही थी। आयुर्वेद के पद हैं या नहीं है, या तो आप लोग सचिव जी से मुलाकात करके पता कर लीजिए, या फिर आप लोग एक RTI के माध्यम से पता कर सकते हैं। 10 रुपये का RTI लगा के आप लोग जानकारी ले सकते हैं फार्मासिस्ट का जो अध्याचन है उसमें कौन कौन से विभाग से किस पद के लिए अध्याचन प्राप्त हो चुका है, आयोग को जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे पास जितनी जानकारी है मैंने आप लोगों को बता दी। और इसके अलावा कब तक फार्मासिस्ट का विज्ञापन आएगा, इसके लिए आप लोग आयोग में जाइए और एक ज्ञापन सौंपिए और एप्लीकेशन फॉर्म दीजिए वहाँ पे जाके, तो आप लोगों का विज्ञापन जल्दी निकाला जा सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर आएगा अपने हिसाब से, फिर 2022 से ही आने को है लेकिन अपने हिसाब से आएगा थोड़ा रुक के। अब बात कर लेते हैं AGTA के विज्ञापन के बारे में। तो AGTA की बात करें तो AGTA का सब पूरा काम हो चुका है, 906 लोगों का डाटा वगैरह सब कुछ पहुँच चुका है आयोग। तो कुछ छात्र गए थे जो कृषि राष्ट्र संघ से रिलेटेड छात्र हैं, वो जानकारी लेने गए थे AGTA भर्ती को लेके। तो वहाँ पे जो जानकारी प्राप्त हुई है, सचिव जी से मुलाकात हुई छात्रों की, तो सचिव जी से पूछा गया कि सर अब तो डाटा भी प्राप्त हो चुका है तो AGTA का विज्ञापन कब तक आ जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि 906 लोगों का जो डाटा प्राप्त हुआ है उसका सत्यापन चल रहा है, ठीक है। तो सत्यापन हो जाएगा उसके बाद ही आप लोगों का विज्ञापन तुरंत निकाल दिया जाएगा। तो सचिव जी से पूछा गया फिर से छात्रों द्वारा कि सर कब तक आ सकता है विज्ञापन, कोई डेट या कोई मंथ कुछ तो बता दीजिए सर। तो सचिव जी ने एक निश्चित डेट बताने से मना कर दिया, ठीक है, नहीं बताया, गोल गोल बात घुमा दी। तो कह सकते हैं कि अभी भी AGTA का विज्ञापन जो है वो संशय में है, संशय की स्थिति में है कि कब आएगा।
पेट 2022 से ही आना है, लेकिन आ पाएगा या नहीं इसके लिए छात्र परेशान हैं। तो आप लोगों से एक पहले एडवाइस देना चाहेंगे कि आप सबसे पहले पेट 2023 का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि पेट 2023 से भी एग्रीकल्चर की जो केंद्र सुपरवाइजर की वैकेंसी है वो आने वाली है, ठीक है। और पेट तो हर साल देना ही देना है। इसके अलावा आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि 15 अगस्त तक वेट कर लीजिए, 15 अगस्त के बाद आप लोगों को एक बड़ा धरना प्रदर्शन रखना पड़ेगा और एक डेट डिसाइड की जाएगी, एक डेट बता दूंगा। तो आप सभी को एक बार आयोग में चल के और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सारा काम हो चुका है, इतने दिनों से वेट कर रहे हैं छात्र और 2 साल से यही प्रक्रिया चल रही है। 906 लोगों का डाटा फंसा हुआ था, सारा काम छात्रों ने करवा लिया, 906 लोगों का डाटा UPSC से आ गया, फिर दोबारा संशोधित होके भी आ गया, लेकिन अभी तक एक निश्चित डेट नहीं दी जा रही है, गोल गोल घुमाया जा रहा है AGTA के छात्रों को। तो आप लोग के लिए यही जरूरी है कि अगर 15 अगस्त तक कोई भी सकारात्मक न्यूज़ नहीं मिलती है तो आप लोगों को एक बड़ा धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोगों की वैकेंसी जल्दी आएगी। नहीं तो कब आएगी, पेट 2022 से ही आ पाएगी या नहीं, ये संशय बना हुआ है, और या फिर पेट 2023 में लुढ़क जाएगी, ठीक है। नहीं तो हर साल पेट देते रहिए आप लोग, या तो फिर एक बड़ा धरना प्रदर्शन करके अपनी वैकेंसी ले लीजिए। इसके अलावा कुछ छात्र कमेंट करके बोलते हैं आपकी न्यूज़ जो है वो AGTA से रिलेटेड कभी सच नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो जानकारी प्राप्त होती है आयोग से वही जानकारी आप लोगों को AGTA भर्ती से रिलेटेड यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जब भी किसी विज्ञापन की चर्चा होती है, जैसे कि AGTA की चर्चा हो चुकी है कई बार कि ये विज्ञापन आ रहा है, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं बोला है कि 100% अगला विज्ञापन AGTA का ही आ रहा है, और मैंने हमेशा यही बोला है कि 60% उम्मीद है या फिर 80% उम्मीद है, लेकिन फिर बाद में वही सच होता है और ये विज्ञापन पीछे हट जाता है, इसके अलावा दूसरा विज्ञापन जारी कर दिया जाता है, यही होता है हर बार। तो आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जिस दिन मुझे जानकारी प्राप्त हो जाएगी AGTA का विज्ञापन आ रहा है, उस दिन बोलूँगा 100% आ रहा है, लेकिन ऐसी सूचना मैं घर पर नहीं बनाऊँगा, ठीक है। जो जानकारी मुझे प्राप्त होगी आयोग से या किसी के द्वारा वही जानकारी दी जाएगी आप लोगों को। तो जो मुझे अथेंटिक न्यूज़ बिल्कुल सटीक जानकारी हो जाएगी कि AGTA का विज्ञापन 100% आ रहा है, तो उसी दिन मैं 100% बोल दूंगा कि विज्ञापन आ रहा है। और अभी की जो अपडेट थी मैंने आप लोगों को बता दी यहाँ पे, और इसके अलावा मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी जानकारी यहाँ पे दी जाए बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाए, ठीक है। और AGTA के छात्रों से फिर से एक एडवाइस देना चाहूँगा, आप लोग पेट 2023 का आवेदन चल रहे हैं, फॉर्म जरूर भर दीजिए, नहीं तो आप लोगों को पछताना पड़ सकता है, ठीक है। आप लोग इस बात को निगेटिव मत ले लीजिएगा कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी AGTA की भर्ती पेट 2022 से नहीं आएगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, पेट 2023 का फॉर्म जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं भरना चाहते हैं वो लोग ज़रूर भरते हैं, ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।